फिर 9-10 बजे हमें ब्लेड मार गया था, सारा खून ऐसे निकल रहा था। तो मम्मी पापा ने ये पर... ये ब्लेड कब मारा गया ये मैं आपसे थोड़ा 6 बजे जो 6 तारीख को आप ये थोड़ा दिखाएं। वो मम्मी को मारा था पिछली बार जब हुआ था ना पहली बार, तो मम्मी को मारा था जेंट्स पुलिस ने, लेडीज पुलिस ने मारा था, दोनों ने मारा। हाँ, तीन तो पुलिस वाले थे और दो तीन लेडीज थी, मम्मी को मारी थी कमरे में। इस सब पुलिस किस नहीं कर रही है। अब जब बाहर फिर हम लोग को मेडिकल में आके तो पुलिस वाले थाने कहे, थाने में भी नहीं लिखा दे रहा कि क्या क्या हुआ। जब झूठ बोलेगी तो तुम्हें जेल करेंगे। मैं झूठ थोड़ी ना बोली, जब सच सच्ची है क्या लड़की का झूठा नाम लगा रही है। मैंने झूठा नाम लगा रही हूँ, मेडिकल थोड़ा झूठ बोल देगी, मैं तो झूठ तो नहीं बोलेगी। पहली बार भी जिक्र था, इस बार भी जिक्र। जय भीम साथियों, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। इस वक्त मैं संगम विहार में मौजूद हूँ और 15 दिन के अंदर अंदर ये दूसरा रेप का मामला हमारे सामने आया है। ये बच्ची 13 साल की दलित समाज की बच्ची है, इसके साथ एक दरिंदे ने 2 बार दुष्कर्म किया है। पहली बार पुलिस द्वारा उसको छोड़ दिया गया तो दरिंदे की हिम्मत इतनी बढ़ गई, उसने दोबारा आकर बच्ची के साथ रेप किया। हमारे साथ ये बच्ची बैठी है जिसके साथ ये इतनी गंदी हरकत हुई है। हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। आपके साथ जो भी हुआ आप वो हमें थोड़ा अच्छे से बताइए डिटेल में। जब हम साथ में रहते थे तो एक छोटे भैया थे हमारे बगल में रहते थे, तो हमारे पे कोई नहीं था। राहुल छोटे भैया था, राहुल भी आएंगे उसको कुत्ते दे दे 500 ले लें। मैंने ठीक है भाई ले लूँगी। तो राहुल भी आए तो मैंने उसको कुत्ता दिया, उन्होंने हमें 500 दिया, तो वहाँ चले गए। तो राहुल दोबारा आए कि 2 मिनट में कुछ छोड़ के आ जाइए, मैं नहीं जाऊँगी, मेरी मम्मी पापा मारेंगे। कहाँ बुला रहे थे आपको? यहाँ पे आए थे ना बगल में हमारे राहुल लेने कुत्ता लेने के लिए, तो वहीं पे तो मैंने नहीं जाऊँगी, मेरी मम्मी पापा मारेंगे। तो तू नहीं जाएगी तो घर वालों को मारूंगा। तो राहुल ज़बरदस्ती हमारा हाथ पकड़ के कमर पर चाकू लगा के लेके गए हरियाणा की तरफ, फरीदाबाद की ओर लेके गए। तो हमें 2 रात रखा हमें होटल पे। 5 लोग थे वहाँ, 5-6 लोग थे, एक राहुल था। तो उसको होटल का नाम पता है आपको? क्या नाम था? नाम नहीं पता, उनका दोस्त का होटल था। अच्छा, तो हमें नस की गोली वोली थी, उन्हें हमें कुछ याद नहीं था। हम 2 दिन के बाद जब होश आया हमें देखा तो सारे कपड़े उतरे हुए थे हमारे। तो राहुल ने अपने मुँह से बोला कितने साथ मैंने बदतमीजी की है, मैंने बोला घर जाना है। तो राहुल ने बोला इसी सब छोड़ूंगा कि 8 साल के 9 साल की लड़की को लेके आएगी मेरे पास, मैं नहीं लेके आऊँगा। तो राहुल ने हमें नंबर दिया था, ये कह रहा था कि इस बार लेके नहीं आया तो इस बार तेरे को फिर उठाऊँगा। अच्छा, हाँ, तो उसने बोला था फिर दोबारा तेरे को उठाऊँगा, मैं नहीं लेके आऊँगी। तो राहुल हमें नंबर दिया था, तो हमने नंबर थाने में दे दिया था, तो कमलेश मैडम ने नंबर फाड़ दिया था। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद हमें राहुल ने बदरपुर के पास छोड़ दिया। उसको गाड़ी वाला था वहाँ पे, उसने बिठा दिया था, उसने गाड़ी वाले ने वहीं उतार दिया, हमें आगे जाके लेके वहीं छोड़ दिया। हमें पता नहीं था कहाँ पे घर है, कहाँ अपने एड्रेस नहीं पता था घर का। तो हम 3 दिन तक वहीं भटकते रहे भूखे प्यास। जब हम मजिद्दे के पास होते तो हम पूरे बेहोश थे। तो मम्मी पापा ने हमें देखा, तो मम्मी पापा ने घटा कर लेके आया हमें, तो हमें पानी वानी दिया। तो हम घर वाले को सही बात बताई, तो मम्मी हमें थाने से लेके आई, थाने। ये जो आप बता रही हैं ये कब की घटना है, कितने दिन पहले की घटना है? 1 साल पहले। 1 साल पहले? हाँ। और फिर अभी जो है, अभी फिर आपके साथ क्या हुआ? आप बच्ची को नहीं लेके गई, उन्होंने जब आपसे बोला 8-9 साल की बच्ची लेके आना मेरे पास, आप नहीं लेके आई, तो अब दोबारा उसने यही हरकत करी आपके साथ? फिर मम्मी हमें सीधा थाने लेके गई, थाने में सारी बात बताई। फिर हमारा मेडिकल हुआ था, फिर हमें मेडिकल करवा के फिर वहाँ कोर्ट लेके, कोर्ट में गवाही हुई है सारी। उसके बाद राहुल भी पकड़ा गया था, राहुल को जेल करा था 6 महीने तक। 6 महीने तक राहुल जेल में था, उसके बाद तो पता नहीं क्या छूट गया। हमें बुलाया भी नहीं, हमें कुछ पूछताछ नहीं करी, यही तो हमें तो राहुल छोड़ दिया गया था वहाँ से। 3 सीट कर चुके थे, 3 गवाही दे चुके थे, 1 गवाही रह गई थी। तो वो होने के बाद नहीं हुई, तो राहुल छूट गया था उस टाइम। कि हमें यह नहीं पता कि लड़का छूट रहा है कि नहीं छूट रहा। गवाही के बारे में आपको पता था कि आपको जो है कोर्ट बुलाया गया है, इस बारे में पता था आपको? इस बार नहीं पता था। इस बार पता था। तो आपकी आपकी कोई गवाही नहीं ली गई? नहीं। आपकी गवाही के बिना उसको छोड़ दिया गया? हाँ, राहुल को मैं छोड़ दिया गया। राहुल का पूरा नाम क्या है? राहुल गुप्ता। और अब क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ? ये 5 तारीख को मैं अपने बहन के घर जाती थी, बहन 7 नंबर में रहती है ना, तो वहीं पर दोबारा वहीं से उठाया था हमें। तो लड़का 2 था, एक राहुल था और एक
उसका दोस्त था, तो वह पुलिस की वर्दी में थे, ठीक है, तो पुलिस की वर्दी में थे, तो राहुल बाइक पे बैठा हुआ था। राहुल के जो दोस्त थे वो पुलिस की वर्दी में? हाँ, दोनों पुलिस की वर्दी में थे। अच्छा, तो हम साथ नंबर जा रहे थे, हमें नहीं पता था वहाँ पर राहुल होगा, तो वहाँ आगे गए तो राहुल बाइक पे बैठा हुआ था, तो एक लड़का ने, जैसे मैं जा रही थी भागते हुए, उसके दोस्त ने हाथ पकड़ लिया, तो हाथ पकड़ते फिर गाड़ी ऐसे राहुल उतरा गाड़ी से, तो उस लड़के ने गाड़ी घुमाया हमारा हाथ पकड़ के, हम जस्ट चिल्लाने वाले थे, ऐसे राहुल ने अपने हाथ से मेरा मुंह दाब दिया। मुंह दाब दिया? हाँ, तो मैं चिल्ला कर से सुनने वाला कोई नहीं, वहाँ पर सुनसान हो जाता ना 7-8 बजे। कितने बजे की बात है जब अपनी बहन के यहाँ पर आप जा रही थी? 9 बजे की। 9 बजे की? हाँ। अकेली थी या किसी के साथ थी? अकेली थी। अकेले थी? हाँ, तो वहाँ से गाड़ी घुमा के सीधा यहाँ तिरंगा चौक के जंगल है आगे जाके, वहाँ पे हमें गहने जंगल में लेके गए, तो हम वहाँ से, उस लड़के दूसरा दोस्त था उसका, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, फिर राहुल ने वहाँ से बदतमीजी करी दोबारा, तो उसने मुझसे बोला कि तुझसे मारा था लड़के, इस बार तू जान से मार जाएगी, अब मेरे हाथ से जान से मार दूंगा, इस बार लड़के लेके नहीं आए, तो मैंने नहीं लेके आऊँगी, तो राहुल ने मुझसे बदतमीजी करी थी। फिर सुबह जब पूरे रात रखा वहाँ पर, पूरे दिन भी रखा, जिस टाइम लेके गए उस टाइम फेंक के यहाँ पे चले गए थे, सुबह मेरे ब्लीड मारा गया था 9-10। कहाँ पर आपको फेंक के चले गए थे? घर के बाहर ही? आपके घर के बाहर ही, तो वहाँ पे सुबह फिर 9-10 बजे हमें ब्लेड मार गया था, सारा खून ऐसे निकल रहा था, तो मम्मी पापा ने हमारे पति, ये ब्लेड कब मारा गया ये मैं आपसे थोड़ा, ये 6 बजे जो 6 तारीख को, आप ये थोड़ा दिखाएं, ये कब? 6 तारीख को। हाँ, 6 तारीख को आपको मारा गया। हाँ, खून बह रहा था पूरा। हाँ, पूरा खून। तो जब आप हॉस्पिटल पहुंची तो हॉस्पिटल में क्या हुआ? हॉस्पिटल पहले तो मैं बोला राहुल हमें घर फेंक के चले गए थे, तो मम्मी को सारी बात बताई, मम्मी ने फिर पट्टी वट्टी करवाई हमारी, फिर मम्मी थाने के, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी हमारी, तो मम्मी हम लोग को भगा दिया था कि हम नहीं लिख रहे, जाके खुद ही मेडिकल करवाओ वो करवाओ, तो मम्मी ने हमें खुद ही मेडिकल करवाने के लिए लेके गए, सर्जन लेके गए, तो मम्मी सब मेडिकल हुआ, तो उसके बाद जब जाके एक पुलिस गई हमारे साथ, वो पुलिस जब मेडिकल हो गया मम्मी पापा ने करवाया, जब जाके वो एक पुलिस गई वहाँ पे, डॉक्टर ने बोला आपको और जब बच्चे साथ कोई नहीं है तो आप किस लिए आए, जब बच्चे ने सब कुछ करवा लिया तो इसलिए थाने में फ़ोन करते थे डॉक्टर ने, तो इसलिए आए, एक पुलिस वाली आई बस, जो छुट्टी होने वाली तब आई थी। अच्छा। हाँ, तो हॉस्पिटल में कितने दिन रखा आपको? हॉस्पिटल में दो दिन तो हम वहीं रहे, कोई पुलिस वाला नहीं आया था, तो इसलिए हमें रोक रखा था वहाँ पे, जाके 3 दिन बाद जब पुलिस वाली आई, तो जब भी नहीं आई थी पुलिस वाली, जब मेडिकल हो गया तब जाके पुलिस वाली आई थी। जब आप लोग पुलिस थाने पहुँचे दोबारा रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और पहले भी आप लोग गए होंगे, तो आपके साथ किसी पुलिस वाले ने गलत व्यवहार किया हो या मार पिटाई की हो? वो मम्मी को मारता पिछली बार जब हुआ था ना पहली बार, तो मम्मी को मारता जेंट्स पुलिस ने, लेडीज पुलिस ने मारा था, दोनों ने मारा। हाँ, 3 तो पुलिस वाले थे और 2-3 लेडीज थी, मम्मी को मारी थी कमरे में बंद करके, तो मम्मी ने हमें बताई थी सारी बात, तो कोर्ट में मम्मी को पेश किया गया था कि किसने मारा था किसने, तो मम्मी का भी मेडिकल हुआ था, तो उसमें ही पता चला था। अभी पुलिस क्या कर रही है? इस वक्त पुलिस कुछ नहीं कर रही है, जब बाहर फिर हम लोग को मेडिकल करवा के, तो पुलिस वाले थाने के थाने में भी नहीं लिखा दोबारा कि क्या क्या हुआ, जब झूठ बोलेगी तो तुम्हें जेल करेंगे, मैं झूठ थोड़ी ना बोली, जब सच सच्ची है, ठीक है, लड़की को झूठा नाम लगा रही हूँ, मैंने झूठा नाम लगा रही हूँ, मेडिकल थोड़ा झूठ बोल देगी, मैं तो झूठ तो नहीं बोलेगी, पहली बार भी जे करा था, इस बार भी जे करा, तो इसी बार भी रिपोर्ट नहीं लिखी थी, तो भाई लोग, जब हम भाई लोग का नंबर मिला तो भाई लोग का सारी बात बताई, तो भाई लोग मैं भाई लोग को थाने लेके गए, थाने में थोड़ा हम लोग का हिम्मत बना, विकास भाई का, जब विकास लेके गए तो सब फैमिली को तो लेके गए, तो हम जब जाकर हमारी रिपोर्ट लिखी। अच्छा, जब पिछली बार आपको आपने बताया राहुल जो है आपको एक होटल में लेके गया था, आप उनको भैया बोलती थी, कितने समय से जानती थी आप? जानती नहीं थी, जब कोर्ट में आया तब जानी थी, जिसका नाम राहुल गुप्ता है, पहले तो उन वो भाई छोटे भैया जानते थे, हम नहीं जानते थे। छोटे भैया कौन? ये यहाँ पर किराएदार रहते थे यहाँ पर, अब वो भी नहीं है। वो भी नहीं है? नहीं। जब से आपके साथ हुआ है वो भी गायब है? वो भी गायब है, कुछ आता पता नहीं है उनका, नहीं। पिछले एक साल से वो आए ही नहीं है यहाँ, नहीं पर। आया। तो जब आपको होटल ले जाया गया और आप उन्हें भैया बोलती थी, तो आपके मन में थोड़ी घबराहट या कुछ अजीब सा आपको लगा हो कि मैं इसको भैया बोलती थी, इसने मेरे साथ ऐसा काम करा? नहीं, पहले तो मैं जानती नहीं थी भाई, बस छोटे बहन थे कि राहुल एक नए राहुल भैया आएंगे सबको कहते थे, तो उसने मेरे छोटे बहन थे भैया बोल दिया, मैं ठीक है, उसने बोलता भैया बोलने के लिए, तो मैं जानती नहीं थी उसको। अभी आपका मेडिकल हो गया दोबारा? हाँ, मेडिकल हो गया। मेडिकल हो गया?
ये जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ में 13 साल की बच्ची है। इसके साथ दरिंदे ने 2 बार रेप करा और इसको छोड़ने की डिमांड ये रखी कि ये 8-9 साल की बच्ची हमारे पास लेकर आए, दरिंदे के पास लेकर आए, जिससे वो अपना अपनी अंदर की जो हवस है वो उसे शांत कर सके। मैं ये सवाल करना चाहूँगी हमारी जनता से कि आखिर दलित कहाँ सुरक्षित है? दुनिया का कोई एक ऐसा कोना हो जहाँ दलित सुरक्षित हो। हम आए दिन देखते रहते हैं हमारे साथ जो है, हमारे सामने जो है ऐसे केस आते रहते हैं, चाहे वो दिल्ली कैंट हो, त्रिलोकपुरी केस हो, और अब ये संगम विहार का केस है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं दलित टाइम्स।